ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय महिला एवं बाल विकास के सौजन्य से हमीरपुर के बरोहा में बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद के चेयरमैन राजेश ठाकुर के अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लैंगिक समानता तथा लड़कियों को सशक्त करने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर बरोहा व अन्य गाँव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय महिला एवं बाल विकास के सौजन्य से हमीरपुर के बरोहा में बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर जिला परिषद के चेयरमैन राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लैंगिक समानता तथा लड़कियों को सशक्त करने के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर बरोहा व अन्य गाँव की महिलाओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान बेटी पैदा होने पर 5 परिवारों को सम्मानित किया गया और गर्भवती महिलाओं को फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में बताया गया कि जिन स्कूलों और ग्राम सभाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अच्छा कार्य किया जाएगा, उन्हें 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अधिकारी HC शर्मा ने बताया कि आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय महिला एवं बाल विकास के सौजन्य से हमीरपुर के बरोहा में बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बाल लिंगा अनुपात की दर समान करने तथा सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ियों को दरकिनार कर बालिकाओं के महत्व को अंकित करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों और ग्राम सभाओं में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर अच्छा कार्य किया जाएगा, उन्हें 26 जनवरी को सम्मानित किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो घटता हुआ लिंगानुपात बाल लिंगानुपात की अगर बात करें, उसमें सुधार लाना है, बेटियों का संरक्षण करना है, लोगों में जागरूकता लानी है, बेटियों के प्रति समाज की जो सोच में बदलाव है। तो अगर हमीरपुर की मैं बात करूँ, हमीरपुर में हमारे यहाँ जैसे ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की तहत जो 5वां वर्ष लगा है, उसमें 2000 बेटियों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन इस दौरान जो 4 साल बीच में बीते हैं, इस दौरान बहुत काम हुआ है। और आज जो है जो ये बाल लिंगानुपात की हम बात करते हैं, तो इसमें सुधार होके आज ये 954 जो है प्रति हजार बाल लिंगानुपात में इतना सुधार आया है। और ये जो अभी सप्ताह के दौरान गतिविधियां हो रही है, ये 20 तारीख से शुरू हुई, वो पेरेंट्स हैं चाहे आम जनता है कि बेटियों को बचाना है, हमको बेटियों को पढ़ाना है और बेटियों को जो है आगे बढ़ाना है। ये को लेके जो है अधिक से अधिक जो है अभी जो अच्छा काम करेगी जो पंचायतें या स्कूल, इनको 26 जनवरी को जो है वो सम्मानित किया जाएगा जिला स्तर के कार्यक्रम। धन्यवाद। जिला परिषद के चेयरमैन राजेश ठाकुर ने कहा कि आज का दिन पोषण अभियान के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को कुपोषण के प्रति जागरूक किया गया। राष्ट्रीय बालिका दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है और इस अवसर पर मैं देश और प्रदेश की सभी बहनों को बेटियों को अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज का यह दिन पोषण अभियान के रूप में पूरे देश में मनाया जा रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत 8 मार्च 2018 को की थी, क्योंकि जिस तरह से इससे पहले हमारी जो बेटियां थी, हमारा जो देश था, उसमें लगभग 45% कुपोषण का शिकार होते थे, लेकिन आज यह प्रतिशत कम हुआ है, लगभग 37%। अभी भी हमारे जो बेटे बेटियां कुपोषण का शिकार होती हैं, इसी उपलक्ष्य में आज का यह दिन मनाया जा रहा है। और मैं तो यही संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का विस्तार होगा, तभी हम इस तरह की बुराई से ऊपर उठ सकते हैं। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब वो इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और लाल किले की प्राचीर से जो अपना पहला संबोधन किया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हम महिलाओं के उत्थान की, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात नहीं करेंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ सकता। और उसी प्रयास में उन्होंने
पूरे देश में लगभग 8 करोड़ के आसपास शौचालय बनाए, क्योंकि हमारी बहुत सी बेटियां थीं जब उनको मासिक धर्म आता था तो वो स्कूल छोड़ जाती थी, तो इसी कड़ी में उन्होंने प्रयास किया और आज उसका यह नतीजा है कि हमारी बेटियां हमारी बहनें आगे बढ़ रही हैं और यह देश सुपोषित हो रहा है उनके ही कार्यकाल में। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी